शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनवीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। दिग्रस तहसील कार्यालय के सभागृह में सोमवार को यवतमाल जिला पुलिस अधीक्षक नूरुल हसन की प्रमुख उपस्थिति में सभा संपन्न हुई, जिसमें आगामी गणेशोत्सव, पोला, मोहर्रम आदि पर्व और त्योहारों के विषय में चर्चा की गई है। इस दौरान कोरोना संक्रमण को रोकने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक ने सभी आगामी उत्सव और पर्व को घरेलू पद्धति तथा सादगी से मनाने की अपील करते हुए कहा कि गणेशोत्सव और मोहर्रम की रैली और जुलूसों पर पाबंदी बनी रहेगी, साथ ही इस दौरान विभिन्न सामाजिक कार्यक्रमों के आयोजन को अनुमति नहीं दी जाएगी। जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण के प्रादुर्भाव और कोरोना से मरने वाले मरीजों की संख्या में दिनों दिन हो रही बढ़ोतरी का हवाला देते हुए अपर जिला पुलिस अधीक्षक नूरुल हसन ने आगामी पोला, गणेशोत्सव और मोहर्रम जैसे पर्व और त्योहारों के दौरान गणेश पांडालों के सार्वजनिक कार्यक्रमों, रैली सहित मोहर्रम के दौरान सवारियों, ताजियों के जुलूस और भीड़ इकट्ठा करने वाले विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रमों के आयोजनों पर पाबंदी को वक्त की नजाकत बताते हुए सभी समाज बंधुओं से अपने घरों में सादगी और घरेलू पद्धति से आगामी त्योहार मनाने और प्रशासन को सहयोग करने की अपील की। दिग्रस तहसील के कार्यालय के सभागृह में आयोजित सभा को वे संबोधित कर रहे थे। अपर जिला पुलिस अधीक्षक नूरुल हसन की अध्यक्षता में आयोजित सभा इस सभा में आगामी त्योहारों के विषयों पर चर्चा के लिए शहर के शांतता समिति सदस्य, गणेश मंडलों, समाज के प्रतिष्ठित नागरिकों सहित तहसील तथा शहर के पत्रकारों को इस सभा में आमंत्रित किया गया था। कार्यक्रम की शुरुआत में उपरोक्त विषय पर नगर सेवक सैयद अकरम, जावेद पटेल, संजीव चोपड़े आदि ने प्रशासन के समक्ष अपने विचार और सुझाव पेश किए। इस दौरान मंच पर उप विभागीय पुलिस अधिकारी उदय सिंह चंदेल, दिग्रस के पुलिस निरीक्षक सोना जी आमले, नगर पालिका के मुख्य अधिकारी शेष राव टाले, कोविड केयर के मैनेजर डॉक्टर अभय गोविंदवार मौजूद थे। वही सभा में शहर के विभिन्न गणेश मंडलों के पदाधिकारी, शहर के प्रतिष्ठित नागरिक भी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। आज दिनांक 17 अगस्त 2020 दिग्रस मध्ये पोळा श्री गणेश जयंती मोहर्रम अनुषंगाने शांतता समितीची मीटिंग घेतली। लोकांना या मीटिंग मध्ये आवाहन केला आणि विनंती केली की जे आगामी सण उत्सव आहे ते आपण सिंपल साधा पद्धतीने साजरा करावी। लोकांनी कोरोनाला पराभूत करण्यासाठी प्रशासन, पोलीस विभाग ला सहकार्य करण्याबद्दल सहमती दिलेली आहे। मला पूर्ण विश्वास आहे की दिग्रसमध्ये आगामी सण उत्सव सोशल डिस्टन्सिंगच्या पालन करताना लोक साधा पद्धतीने साजरा करतील या बदल मला पूर्ण विश्वास। थँक्यू। इनबीसीएन न्यूज के लिए जुबैर खान की रिपोर्ट।